नमस्कार, रागगिरी के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हाल के दिनों में जो सीरीज वेब सीरीज सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई, जो पॉपुलर विषयों से हटकर थी उसके बावजूद पॉपुलर हुई, वो सीरीज थी बंदिश बैंडिट्स, जिसे तमाम बड़े कलाकारों ने बहुत सराहा, जिसमें पंडित जसराज तक जैसा बड़ा नाम शामिल था। और उस सीरीज में एक आवाज सुनने में आई जो आवाज हम सब से काफी परिचित है, जो लोग संगीत की दुनिया पर नजर रखते हैं उनसे काफी परिचित है, क्योंकि वो आवाज है मोहम्मद अमान की, जिन्हें अगर आप याद करेंगे तो टेलीविजन के तमाम रियलिटी शोज में हम सब सुन चुके हैं और जिन्हें तमाम बड़े कलाकारों का स्नेह प्यार मिला हुआ है। मैं उन्हीं मोहम्मद अमान को आज रागगिरी में आमंत्रित करता हूं और उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अमान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी खुश नसीबी है जो आज मैं रागगिरी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। अमान, हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपसे बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सुनेंगे, लेकिन राजस्थान जब जब गया हूँ तो जो कान में सबसे पहले सुनने को मिलता है वो पधारो मारे देश मांड सुनने को मिलता है, तो क्यों ना इसी से शुरुआत करें, ताकि ये जो बातचीत का सिलसिला है वो शुरुआत से ही ऐसा जमे कि फिर इसे लोग पसंद करें, लोग आखिर तक देखें और आपके बारे में और विस्तार से जान पाएं। तो क्यों ना मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि प्लीज हमें आप मांड सुनाइए, पधारो मारे देश। जी बिल्कुल, मैं आपको केसरिया वालम सुनाता हूँ। ये एक राजस्थान का बहुत ही पॉपुलर मांड है जिसको पूरी दुनिया में गाया जाता है और बहुत पसंद किया जाता है, सब लोग इसको बहुत अच्छे से गाते हैं और सुनते हैं, तो मैं भी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। केसरिया बलम आओ
अच्छा अमान, अब हम आते हैं आपकी तालीम पर, और आप तो माशाल्लाह आपको घर में बहुत ही गुणी बहुत ही काबिल पिता मिले, आपके दादाजी का संगीत की दुनिया में बहुत नाम था, तो कहा जाए कि आपका जो जन्म हुआ, जो परवरिश हुई, बचपन जो बीता वो हमेशा संगीत के माहौल में ही बीता, तो कितना जरूरी होता है ये, और कितना इस चीज के लिए कितना ऊपर वाले को कितना शुक्रिया अदा करते हैं आपको, आपके आपके गुरु घर पे ही मिले। देखिए, सबसे पहले तो मैं ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे ऐसे घर में पैदा करा, जैसे घर में मुझे जन्म दिया, कि जो एक संगीत देखा जाए तो यहाँ तबला भी बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और गाना भी बहुत अच्छा सुनने को मिलता है इस घर में, इस परिवार में। तो मेरे दादा ने जिस मशक्क़त से गाना सीखा, तबला सीखा, और मेरे लिए के खुशनसीबी ये है कि मुझे सब कुछ घर में ही मिल गया, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कहीं और सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे मेरे दादा से ही मुझे इतना कुछ सीखने को मिला और मिल रहा है। अभी मेरे फिलहाल मेरे फादर से ही मिल रहा है, तो मुझे अपने दादा को मैंने इस तरीके से देखा कि उनके पास कुछ ही चीज़ की कमी नहीं थी संगीत में, और उन्होंने गाना भी बाकायदा ऐसा अच्छा सीखा और तबला भी बाकायदा अच्छा सीखा, जो जिससे मैं बहुत मुतासिर हुआ, और मुझे ये बहुत खुशी, मेरी बहुत बड़ी खुशी है कि मैं ऐसे संगीत परिवार में मैंने जन्म लिया। और अगर ऊपर वाले से मैं दुआ करूं कि मुझे बार बार इसी परिवार में और ऐसी संगीत परिवार में ही मेरा हर जन्म इसी परिवार में हो जी। और आपके पिता का जो की जो मशहूरियत कह लें या जो नाम है, वो तबला वादक के तौर पर जाने गए, लेकिन आपने गायकी का अंग चुना, क्या वजह थी इसकी, क्या बड़ों ने समझाया, या क्या वो घटना थी, क्या वो जिक्र हुआ जिससे आपको ये लगा कि आपको गायकी में जाना है? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि मेरे फादर उस्ताद जफर मोहम्मद खान साहब ने सबसे पहले उन्होंने गाने की ही तालीम ली थी, फिर गाने की तालीम लेते लेते उनका शौक रुझान ज्यादा तबले की तरफ गया, तो उन्होंने तबला पकड़ा, फिर उन्होंने ऐसा तबले में इतना नाम करा, इतना बजाया, सबके साथ गाए बजाए। तो मेरे दादा की जो इच्छा थी कि यार मैं गाना किसे बताऊं, तो मेरे इल्डर फादर उस्ताद उमर मोहम्मद खान साहब वो भी तबले में, मेरे चचा उस्ताद मोहम्मद अहमद खान साहब वो भी तबला प्लेयर हैं, तो उनके तीन बेटे थे, तीनों ही तबले में आए। तो फिर मेरे दादा ने सोचा कि मुझे गाना, जो मेरे पास गाने का जो इल्म है, गाने की जो आगरा और पटियाला घराने का जो खजाना है, वो मैं किसको शुरू कराऊं, तो मेरी उम्र उस वक्त 4-5 साल की थी, उस वक्त उन्होंने मुझे शुरू करवा दिया था गाना, कि मुझे इसको गाना ही गवाना है। तो मेरी ये खुशकिस्मती है कि मैं इस परिवार में मैं गाने को आगे लेके बढ़ा रहा हूँ, और गाना मेरे फादर ने भी गाया, और उन्होंने भी तालीम गाने की बाकायदा पहले ली थी, फिर अब जो मेरी तालीम चल रही है मेरे फादर से ही ज्यादा चल रही। अच्छा अमान जी, मैं अब इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाऊं, इससे पहले एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बंदिश राजस्थान जयपुर घराने की, या कोई भी ऐसी चीज जो आपको पसंद हो, आपके दिल के करीब हो, वो हमें सुनाइए। जी बिल्कुल, मैं आपके सामने एक राग पेश कर रहा हूँ जो जिसका नाम है राग नट का मोद, और ये राग एक बहुत अच्छा राग है जिसको बहुत अच्छे अच्छे बुजुर्गों ने गाया, तो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। Ah
अरे वाह। और जिस वेब सीरीज का जिक्र मैंने शुरू में किया और जिसके लिए पंडित जसराज जी तक जैसे कलाकार ने तारीफ की, वहां से उसकी कुछ एक चीज जो आपको गाने में सबसे ज्यादा मजा आया हो? जी देखिए, उस जो हमारी जो जुगलबंदी हुई बंदिश बैंडिट्स में, उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि तार सप्तक की तान, क्योंकि जुगलबंदी में जो लास्ट में जो सबसे तान कही है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसी की वजह से बहुत ज्यादा लोगों ने उसको ज्यादा पसंद किया है और ऊपर वाले ने वो मुझसे अदा करवाई। ये मैं बहुत बहुत उसका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं। मैं कोशिश करूंगा आपको अभी फिर एक बार उसको सुनाने की, ऊपर वाला करवा दे। गरज गरज आज मेघ घनन घनन छायो रे, गरज गरज आज मेघ घनन घनन छायो रे, दमक दमक चमके बिजुरी कहत रि तुरा दे आयो रे, जो तान थी इसकी, ये एक इतनी इम्पोर्टेंट ही। और शंकर जी ने मुझे इस तान को बड़ा उसका क्या कहा कि तुम कह सकते हो, तो मैंने कहा मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा, अगर आपको अच्छा लगे और ऊपर वाला मुझसे करवा दे इस तार सप्तक की तान को। अच्छा, जब मैं जाता हूँ लगभग 7-8 साल पहले की टीवी की दुनिया में, और मुझे याद आते हैं मोहम्मद अमान का वो चेहरा याद आता है जब वो स्टेज पर गाते थे चमकती दमकती लाइट्स बड़े बड़े सेट्स में, और बड़े बड़े कलाकार शंकर महादेवन और तमाम बड़े कलाकार जो बहुत गुणी कलाकार हैं वो एकदम आपकी तारीफ के पुल बांध दिया करते थे। तो एक तो वो तजुर्बा कैसा था इतने बड़े कलाकारों से तारीफ पाने का, और दूसरा कितना अलग है, मतलब वो जो गायकी आपने सीखी है घराने की शास्त्रीय गायकी, उस गायकी से वो स्टेज की गायकी रियलिटी शोज की गायकी कितनी अलग है, कितनी अलहदा है? देखिए अगर देखा जाए तो आपने जैसे कहा कि इतने बड़े बड़े दिग्गज नाम वर्ष जैसे शंकर महादेवन सर, साजिद वाजिद सर और राहुल राम सर, और बाकी जो उस सारे गामा पा में जो महागुरु के रूप में आते थे, जो एक जिनको महागुरु के लिए बुलाया जाता था, जैसे पंडित जसराज जी मेरे शो में आए, पर बेगम परवीन सुल्ताना जी आई, विशाल भारद्वाज जी आए, और सब पंडित विश्व मोहन भट्ट जी आए मेरे सारे गामा पा में, तो इन लोगों के सामने गाना और ऐसे स्टेज पे गाना जहाँ जिस स्टेज पे बॉलीवुड के अलावा कुछ ज्यादातर देखा जाए तो आप जानते हैं सारे गामा पा, इंडियन आइडल, ये जितने भी रियलिटी शो हैं ये सब बॉलीवुड के स्टेज हैं और यहाँ ज्यादातर बॉलीवुड गाने ही आते, और मैं क्लासिकल गाने वाला, मैं उस स्टेज पे मैंने प्योर क्लासिकल को पेश किया और सबने उसको सराहा, सबने उसको आगे बढ़ाया। जब मैं गाता था तो क्लासिक उसी वक्त शंकर सर बहुत खुश होते थे, बहुत तारीफ करते थे, और मेरे लिए बड़ी खुशी होती थी क्योंकि एक ऐसे स्टेज पे गाना एकदम से, आप फिल्मी गाने के बाद उसके बाद आपका परफॉर्मेंस है, 4-5 फिल्मी गाने हो रहे हैं, फिल्मी गाने के बाद इससे क्लासिकल हो रहा, तो सबसे पहले तो वो सारे गामा पा ही एक ऐसा स्टेज, वो 20 साल में ये समझिए कि ऐसा पहली बार हुआ 20 साल में कि सारे गामा पा स्टेज पे कोई क्लासिकल आर्टिस्ट जो फाइनल तक पहुंचा, तो ये मेरे लिए सबसे खुशनसीबी की बात थी कि मैं सारे गामा पा के स्टेज पे मैंने प्योर क्लासिकल को ही प्रेजेंट किया, तो सबों ने उसकी तारीफ की और मेरे गाने को आगे बढ़ाया, और जो मैंने सीखा था, जो जो मैंने राग गाए, सब ने उसको पसंद की। अच्छा अमान साहब, अगर कुछ फिल्मी रग में आपसे मैं गुजारिश करूं, और आप जो रागगिरी के तमाम चाहने वाले आपका ये इंटरव्यू देख रहे हैं उनकी तरफ से भी गुजारिश करूं कि कुछ ऐसे नगमे जो आप हमें सुनाएं और इस बातचीत के सिलसिले को फिर हम और आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए उस्ताद राशिद खान साहब का गाया हुआ एक जब वी मेट का गाना मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन,
बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिले आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, नैना तेरे कजरारे हैं, नैन अपने नो पे हम दिल हारे हैं, अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं, सासों की ले मध्यम चले तो से कहे बरसेगा सावन, बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। अच्छा, इन दिनों अमान आप क्या नया कर रहे हैं? मतलब संगीत की साधना तो निसंदेह आपकी जारी है, आपका जो वो एक एक साधना है वो तो चल ही रही है, लेकिन उसके अलावा क्या कुछ नया कर रहे हैं? कहाँ अब हम आपको और ज्यादा सुन सकते हैं? अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में प्लीज बताइए। देखिए, इस वक्त जो कोरोना का चल रहा है तो 9 मंथ से 10 मंथ से जो चल रहा है, तो इस वक्त तो मेरा बिल्कुल रियाज चल रहा है, घर पे ही चल रहा है, साधना चल रही है, और बाकी अगर कुछ इस तरीके का होता है फ्यूचर में तो वो मैं आप लोगों के सामने ज़रूर शेयर करूंगा, ज़रूर आप लोगों के सामने ज़रूर आएगा वो पब्लिक में जो भी कुछ होगा। अभी के माहौल के एतबार से, अभी कुछ कोविड की वजह से जो ये चल रहा है ना, तो अभी तो मेरा खुद का रियाज ही चल रहा है। अमान, हम इस बातचीत को खत्म करें और आपको बहुत बड़ा एक शुक्रिया अदा करें अपनी तरफ से, अपने व्यूवर्स की तरफ से। उससे पहले गुजारिश करेंगे कि एक कोई राग जो हम, जिसलिए जहां से मैंने बात शुरू की थी कि आप उस परिवार से आते हैं जहां पर शास्त्रीय संगीत का बड़ा एक रिच कल्चर रहा, तो एक कोई राग आपका जो आपके दिल के करीब हो और जिससे अगर हमें राजस्थान की खुशबू आ जाए तो फिर कहने ही क्या, तो कोई एक शास्त्रीय राग से इस बातचीत को खत्म करेंगे प्लीज। जी, मैं आपके सामने एक ऐसी कंपोजिशन पेश कर रहा हूँ जो कंपोजिशन मेरे दादा उस्ताद अमीर मोहम्मद खान साहब का है, और इसी कंपोजिशन से मेरी तालीम की शुरुआत हुई थी, मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस इसी राग से, राग का नाम है तिलक कामोद, इसी से ही मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस हुआ था और यही मुझे सबसे पहले सिखाया गया, तो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ।
दौरान आपने हमारे लिए वक्त निकाला। रागगिरी के तमाम जो व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे चाहने वाले हैं, उन सब की तरफ से आपका शुक्रिया और उन सब की तरफ से आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप यूं ही आपकी जो शास्त्रीय संगीत की जो परंपरा है, जो साधना है, उसमें नित नई कामयाबी आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।